हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे थ्री। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अपने पॉइंट से वीबुल वीबुल जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि रेन आएगी कि नहीं आएगी, कितने ईयर पे रिटर्न पीरियड आएगा। तो उसका फॉर्मूला जो होता है वीबुल कैलिफोर्निया और हेजन मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वीबुल ही देखते हैं। वीबुल जो एम अपॉन एन प्लस वन कर देते हैं। एम क्या है? हमारी रैंक है और एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स है। यहाँ पर ध्यान रख कि ओवरलैपिंग सैंपल्स को मैच कर देते हैं, उसको एक ही काउंट करते हैं, राइट। फिर कैलिफोर्निया हमारे क्या हो जाएगा? एम बाई एन है, प्लेन होता है। फिर क्या है? हेजन है, एम माइनस पॉइंट फाइव कर देते हैं, राइट। ये देखिए, इसमें वेबुल और कैलिफोर्निया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अगला पॉइंट जो हमारा है, स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर ब्रिक साइज़ है वो 19x9x9 होता है। और अगर उसमें मोर्टार की थिकनेस इंक्लूड कर देंगे तो वो नॉमिनल थिकनेस कहाई जाएगी, ठीक है। और जो कन्वेंशनल ब्रिक साइज़ होता है वो आपको पता है 23.5x11.5x7.5 होता है, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये मिस मत करिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, मॉड्यूलर साइज ब्रिक या फिर कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो प्रीस्ट्रेस में लॉसेज होते हैं उसमें कौन सा शॉर्ट टर्म लॉस है और कौन सा लॉन्ग टर्म लॉस है, ये बराबर गलत होता है। तो ध्यान से, जो एंकरेज स्लिप, इलास्टिक शॉर्टनिंग और फ्रिक्शन है, ये शॉर्ट टर्म लॉस है। लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है कि स्ट्रेस रिलैक्सेशन हो सकता है ना, क्रीप जनरेट हो सकता है, श्रिंकेज लॉस हो सकता है, ये सब लॉन्ग टर्म लॉस है। ये ऐसा नहीं है कि आज कास्टिंग कर दी और आज प्री स्ट्रेसिंग कर दिया तो कल हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, इसमें समय लगता है। इसलिए याद रखें कि ये लॉन्ग टर्म लॉस है ना। फिर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि ग्रेड ऑफ मोर्टार को अरेंज करके रखिए, है ना। तो ग्रेड ऑफ मोर्टार को अरेंज करके रखना था। और इस बार क्या है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो उसकी, अगर उसको स्ट्रेंथ वाइज भी अगर बोल दे कि किसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है तो आप बता सकते हैं लगभग। देखिए, 0.5 और 0.7 से आपको शुरू करना है, राइट। हमें पता है नीचे से क्या होता है, L2 L1 फिर 3 2 1 फिर 2 1, ऐसे करके आता है। आप लो, एल से लो हो गया, एम से मीडियम हो गया, एच से हाई हो गया, ठीक है। लेकिन नीचे क्या है, 2 1 फिर उसके बाद 3 2 1 फिर 2 1, तो इसमें गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। स्ट्रेंथ क्या करना है, 0.5 और 0.7 से शुरू करना है और लगभग हर वाला अगला वाला क्या हो जाएगा, लगभग उसका डबल हो जाएगा आपको, है ना। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है, सबकी स्ट्रेंथ वैल्यू जरूरी नहीं कि आपको याद रहे, लेकिन आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि एवरी स्ट्रेंथ वैल्यू गेट डबल्ड एट ईच लेवल अप मोर्टार, ठीक है। फिर क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछी जाती है कि कहाँ पे लाई करेगी और कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका, राइट। तो आप बता सकते हैं, देखिए ये हेमीस्फेयर है, ठीक है। हेमीस्फेयर का आपको 4r/3π भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसका IGG कितना होता है, 0.11r⁴, ठीक है। तो आप ये याद रखिए। और IXS इसका कितना हो जाएगा, π d⁴/4/128, राइट। इसी तरीके से अगर ये क्वार्टर रहेगा तो ये उसका भी आधा हो जाएगा और ये वही रहेगा, 4r/3π ही रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि जो हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए मैकेनिक्स का पार्ट है और ये डायरेक्टली वैल्यूज आ सकती हैं एग्जाम में, इसलिए हमें इन 5-6 वैल्यूज हैं, इनको याद रखना है। कि अगर जैसे कोई रिंग है ना, तो रिंग के बीच में क्या होता है कि हम बीच से एक धागा लेके चले जाएं, तो वो रिंग क्या करेगी, उस धागे में लटकेगी। तो वो धागा जो है उसको अगर एक्सिस मान ले, जेड एक्सिस, राइट, तो उसके अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि उसी में ये जो डायमेट्रिकल एक्सिस है इसके अबाउट अगर धागे की या उस डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट अगर हम काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, mr² हो जाएगा, राइट। फिर अगर हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे तो फिर से mr² हो जाएगा। और अगर डिस्क को आपको पता है कि बीच में वो क्या होती है, खाली होती है ना, तो डिस्क को पूरा ऐसे लेंगे और फिर से उसके सेंटर से धागा पास करेंगे तो कितना आ जाएगा, mr² / 2 आ जाएगा, है ना। फिर अगर उसे डायमेट्रिकल एक्सिस के बाउंड लेंगे तो mr² / 4 आ जाएगा। उसी तरीके से हॉलो स्फीयर का 2/3 हो जाएगा और सॉलिड स्फीयर का 2/5 हो जाएगा। तो आपको ये 5-6 वैल्यू जो है ये आपको याद रखनी है ना। फिर अगली बात करते हैं, हम कॉइन कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए, कॉइन क्या होता है, कॉर्नर स्टोन या ब्रिक को कहते हैं। और स्क्विंट क्या होता है, स्क्विंट ऐसे जो ब्रिक होते हैं ना, जहाँ पे अपने एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल ब्रिक को सेटअप करना होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्विंट बोलते हैं ना। फिर इसमें देखिए, कोलेप्सिबल सॉइल क्या होती है, लोए सुक को कहते हैं। ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल को क्या कहते हैं, टिल कहते हैं या ड्रिफ्ट कहते हैं। ग्रेविटी डिपॉजिटेड सॉइल को क्या कहते हैं, टैलस कहते हैं ना। तो ये एग्जांपल है, ये आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये आता कि अगर कई सारे आर्चेज ऐसे कंसेक्यूटिवली बने हुए हैं तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको रो ऑफ आर्चेज कहते हैं। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर को या फिर ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या कहेंगे, आर्केड कहेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि मिनिमम डाई ऑफ सीवर, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मिनिमम डायऑब्सीवर कितना हो सकता है 15 सेंटीमीटर, है ना, और मैक्सिमम डायऑब्सीवर 300 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम 150 mm तक कर सकते हैं और मैक्सिमम 3000 mm तक कर सकते हैं, है ना, तो याद रखिएगा इसको। फिर अगला क्वेश्चन हमारा रिटेनिंग वॉल से आता है कि स्टेबिलिटी पे उसको कैसे डिस्कस करते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी कहाँ डिफाइंड है, IS 456 में इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन की गई है, राइट, तो ये याद रखिएगा। फिर स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग अगर पहले पूछें तो इसमें करेक्टरिस्टिक लोड जो है उसमें कितना लेना है, 0.9 मल्टीप्लाई करना, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1.4 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया है कि 0.9 इंटू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन जो स्लाइडिंग फोर्स कर देंगे तो वो कितना होना चाहिए, 1.4 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, राइट। फिर अगली चीज़ है कि ओवर टर्निंग अगेंस्ट स्टेबिलिटी हमारी कितनी होनी चाहिए, तो कहानी यहाँ पे भी सेम रहेगी, 0.9 से मल्टीप्लाई करना और मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.4 आनी चाहिए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर अगली चीज़ है कि कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल हम कितने मीटर तक यूज़ कर सकते हैं, देखिए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल जो होती है वो अप टू 6 मीटर हाइट तक हम यूज़ कर सकते हैं, अगर उससे भी ज़्यादा हाइट ऊँची हो रही है रिटेनिंग वॉल की तो फिर हमें क्या देना पड़ेगा, काउंटर फोर्ट वॉल देना पड़ेगा। काउंटर फोर्ट का मतलब क्या होता है, सपोज करिए जैसे ये रिटेनिंग वॉल है, राइट, तो हम यहाँ ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, इसको काउंटर फोर्ट कर रहे हैं, मतलब उसको और अच्छे से कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, तो ये स्ट्रक्चर बनता है ऐसे वॉल का, देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, आपने वो इसकी इमेज देखी होगी आई थिंक, ऐसे बनता है, इसमें ऐसे ऐसे सपोर्टेड होता है यहाँ पे ना, ये कास्टेड होता है, कंक्रीट कास्टेड होता है ये पूरा, तो इस तरीके से बनता है ये, तो इसी को क्या बोलते हैं, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल बोलते हैं, है ना। तो इसका जिधर जो हिस्सा मिट्टी से दबा होता है उधर क्या होता है, उधर हील बोलते हैं, और जो ओपन रहता है उसको टो बोलते हैं, राइट। तो अब आपको पता है कि इसमें जो रीइन्फोर्समेंट वो भी पूछी जाती है कि रीइन्फोर्समेंट किधर लगाना है, तो देखिए जिधर इधर मान लीजिए मिट्टी भरी है ना, तो ये क्या करेगा, इस वॉल को ऐसे ले जाएगा, ठीक, ये समझ में आ गया आपको कि ये इधर से वॉल ऐसे जाएगी, तो टेंशन तो इस वाले फेस पे आया ना, तो सरिया भी किधर लगेगा, इसी वाले फेस पे लगेगा, है ना। फिर टो और हील में लोग गलत कर देते हैं, तो देखिए ये वाला हिस्सा तो मिट्टी से दबा हुआ है, तो क्या होगा कि जो ये वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ जाना चाहेगा, तो जैसे ये नीचे की तरफ जाना चाहेगा तो ये हिस्सा किधर जाना चाहेगा, ऊपर की तरफ, है ना। तो देखिए इसमें नीचे की तरफ टेंशन आ रहा है, इसमें ऊपर की तरफ टेंशन आ रहा है, तो इधर ऊपर की तरफ सरिया देंगे और इधर नीचे की तरफ देंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर इसका बहुत सिंपल बेसिक रूल भी है कि जिधर मिट्टी रहेगी उधर ही क्या करेंगे, काउंटर फोर्ट अगर दिया तो क्या बोलेंगे, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल, और अगर जिधर सॉइल है उसके अपोजिट में काउंटर फोर्ट दिया तो क्या बोलेंगे, बटरेस वॉल, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि काउंटर फोर्ट और बटरेस वॉल में क्या कन्फ्यूज़न रहती है और क्या फ़र्क है, जिधर सॉइल है उधर से अगर काउंटर फोर्ट दिया तो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल, और अगर उसके जस्ट अपोजिट साइड से दिया, मतलब इधर मिट्टी फिल कर दिया है और इधर से ये कर दिया है, तो ये क्या हो गया, बटरेसिंग हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, बटरेस रिटेनिंग वॉल, ठीक है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है और एग्ज़ाम में भी आता है। फिर क्या है, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल को कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, देखिए जो इसका हील और जो वर्टिकल स्लैब होता है ये कंटिन्यूस बीम की तरह डिज़ाइन होता है ना, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट पूछा जाता है, तो जो मैक्सिमम बेंडिंग नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, डब्ल्यू स्क्वायर बाई 12, और मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, डब्ल्यू स्क्वायर बाई 16, राइट, तो ये आप याद रखिएगा। फिर क्या है, कौन कौन सी बोरिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, देखिए वॉश बोरिंग है, वॉश बोरिंग का मतलब ही कि उसमें पानी डाल रहे हैं और वो पानी के साथ वहाँ पे वॉश होकर बाहर आ रहा है, तो हार्ड रॉक्स में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, तो ऑल सॉइल एक्सेप्ट हार्ड रॉक्स। परकुशन का देखो क्या है, वो एक नुकीला सा होता है दोनों साइड से, वो बार बार जाके हिट करता रहता है, तो उसको कैसी जगह पे इस्तेमाल करेंगे, बोल्डर और ग्रेवल जहाँ पे बार बार किसी चीज़ पे हिट करके तोड़ना हो, है ना। रोटरी देखिए क्या है, जहाँ पे थोड़ा सा हार्ड भी हो लेकिन स्टेबल स्ट्रेटा हो, तो उससे वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रोटरी कर सकते हैं, इसको फिसर्ड सॉइल में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने कहा स्टेबल स्ट्रेटा। फिर क्या है, ऑजर बोरिंग, ऑजर बोरिंग आपको पता है कि सैचुरेटेड सैंड रहेगी या हल्की सैचुरेटेड सॉइल भी रहेगी तो भी वहाँ पे काम करेगा, ये आपने देखा होगा बराबर, ट्रैक्टर से इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। फिर अगली चीज़ है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर में कौन सा मैक्सिमम स्ट्रेस किधर से लगता है, देखिए एक्टिव अर्थ प्रेशर में जो सिग्मा वन होता है वो ऊपर से लगता है ऐसे वर्टिकली होता है, और पैसिव अर्थ प्रेशर में सिग्मा वन ऐसे लगता है, इसीलिए यहाँ पे जो एंगल बनता है मैक्सिमम एंगल बनता है वो 45 प्लस 5/2 बनता है,
प्लस 5/2 बनता है एक्टिव अर्थ प्रेशर में, लेकिन पैसिव अर्थ प्रेशर में 45 माइनस 5/2 बनता है हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है, राइट। तो आप याद रखिएगा कि एक्टिव अर्थ प्रेशर में हॉरिजॉन्टल से जो मैक्सिमम का एंगल बन रहा है वो 45 प्लस 5/2 है, और पैसिव अर्थ प्रेशर में 45 माइनस 5/2 है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अगर एक कोई कॉन्सेंट्रेटेड लोड है वो पूरे स्पैन के ऊपर मूव कर रहा है तो इक्विवेलेंट यूडीएल क्या होगा, 2W/L होगा, ठीक है। आप याद रखिएगा NH और SH का फॉर्मेशन विड्थ है, देखिए फॉर्मेशन विड्थ NH और SH का ही बस आता है एग्जाम में जनरली, 12 मीटर होता है, आप याद रखिए इसको डायरेक्टली वैल्यूज को। अगला क्वेश्चन चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये टू हिंज आर्च है, हमसे अगर उसने पूछ दिया कि कोई एक सपोर्ट जो है भैया वो सटल कर गया है ना, तो अगर वो कोई भी सपोर्ट सटल कर जाए, लेकिन वो कैसा आर्च है, टू हिंज आर्च है, अगर वो टू हिंज आर्च है तो उसके हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि टू हिंज आर्च अगर सटल कर जाएगा तो उसके हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फिर क्या है कि सस्पेंशन ब्रिज और टू हिंज स्टेफनिंग गर्डर ब्रिज जो होता है कैसा होता है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों ही याद रखने कि सस्पेंशन ब्रिज भी और टू हिंज स्टेफनिंग गर्डर भी क्या होता है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है ना। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा राफ्टर का डिफ्लेक्शन। देखिए अगर मेटल शीट है तो W² / स्पैन बाई वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, राइट। देखिए मैं खोल देता हूँ, हाँ अगर मेटल शीट है तो कितना हो जाएगा, स्पैन बाई 180 हो जाएगा, और अगर प्लास्टर शीट है तो स्पैन बाई 240 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ किसका, राफ्टर का, ठीक है। फिर इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर यूज्ड फॉर स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि अगर आपको स्मॉल प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो आप इन्वर्टेड U2 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, हाँ फिर मेथड ऑफ ट्रेवसिंग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आता है, तो आपको ये चारों मेथड याद रखने हैं। तो सबसे पहला मेथड जो हमारा है लूज नीडल मेथड, ठीक है। देखिए लूज नीडल मेथड क्या होता है, बहुत लेस एक्यूरेट होता है। इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए तीन लाइन है मेरे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार जाके इस लाइन की MB लेनी पड़ेगी, और लीनियर मेजरमेंट तो हम चेन से कर लेंगे, एंगुलर मेजरमेंट के लिए बार बार हमें कंपस यूज़ करना पड़ता है, राइट। तो ये लेस एक्यूरेट मेथड होता है। फिर क्या है, फास्ट नीडल मेथड, देखिए फास्ट नीडल मेथड इससे बेटर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जनरली सबसे पहले लाइन की क्या करते हैं, MB मेज़र कर लेते हैं और थियोडोलाइट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर जो अगला मेथड आता है इंक्लूडेड एंगल, तो हम क्या करते हैं अपने पूरे ट्रैवर्स में किसी भी लाइन की MB मेज़र कर लेंगे और बाकी की जो बियरिंग्स हैं वो इंक्लूडेड एंगल से हम कैलकुलेट कर देंगे। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है इंक्लूडेड एंगल मेथड। फिर डायरेक्ट एंगल मेथड या डिफ्लेक्शन एंगल मेथड होता है। देखिए याद रखिएगा, अगर सीवर लाइन बिछानी है या हाईवेज बिछाना है तो हम कौन सा एंगल इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट एंगल एंगल या डिफ्लेक्शन एंगल। आपको पता है टेंजेंट से हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं और उसी हिसाब से फिर यहाँ पे कर्व सेटअप करते हैं, है ना। तो एक्यूरेसी देखिए उसी हिसाब से क्या होगी, इंक्लूडेड एंगल की सबसे ज़्यादा होगी, फिर किसकी होगी, फास्ट नीडल की होगी, और सबसे लास्ट में किसकी होगी, लूज नीडल मेथड की होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगली चीज आती है बिटुमन की क्लासिफिकेशन। हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बिटुमन का फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, वाटर कितना होना चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था। तो वाटर 0.2% था, फ्लैश 175 डिग्री था, और मैंने आपको सेफ हीटिंग पॉइंट बताया था कि 50 डिग्री उससे कम होना चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद मैंने आपको फायर पॉइंट बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितना मैक्सिमम एयर टेम्परेचर होना चाहिए किस ग्रेड के लिए, ठीक है। तो देखिए हमें पता है चार ग्रेड कोड में डिफाइंड है, 10, 20, 30, 40, मतलब VG10, VG20, VG30, VG40, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल बस याद रखना है कि 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के रेंज में ही चारों वेरी करते हैं, है ना। तो VG10 जो होता है वो 30 डिग्री में काम आता है, VG20 30-38, VG30 जो है 38-45, और VG40 कितना, 45 से ज़्यादा के लिए, है ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि बहुत हाई टेम्परेचर में कौन सा ग्रेड इस्तेमाल करेंगे, तो VG40 इस्तेमाल करेंगे, राइट। आई थिंक आपको ये याद हो जाएगा। फिर देखिए ये क्वेश्चन इस बार लेक्चर में भी शायद आया था कि इंडिकेटर डायग्राम ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप किसके किसके अगेंस्ट होता है, दो एक्सिस होती है, तो प्रेशर हेड और स्ट्रोक लेंथ के वर्सेस होता है, ठीक है। फिर देखिए अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डिस्टेंस 200 मीटर से ज़्यादा होती है, जो हम रिफ्रैक्शन कर्वेचर करेक्शन लगाते हैं, तो अगर डिस्टेंस 200 मीटर से ज़्यादा है तभी ये क्या होता है, ये करेक्शन लगता है -0.0673 D², ठीक है। अब इसमें भी एक वेरिएशन है, इसमें वेरिएशन क्या है कि
अगर उसने हमसे क्वेश्चन में बोला, अगर उसने हमसे क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया बोथ करेक्शन लगाना या कुछ बोला ही नहीं, तो हम क्या लगाते हैं जनरली? हमें पता है कि d इज इक्वल टू 3.85 अंडर रूट में h होता है, राइट? ये तो सबको याद है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में हमसे बोल दिया कि भैया सिर्फ कर्वेचर करेक्शन लगाइए, रिफ्रैक्शन करेक्शन मत लगाइए, तो फिर फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? 3.56 अंडर रूट h हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों करेक्शन लगाया या कुछ नहीं पूछा तो 3.85 अंडर रूट एच, और अगर उसने बोल दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ कर्वेचर करेक्शन लगाइए, तो 3.56 अंडर रूट एच हो जाएगा, राइट? BOD ऑफ वेस्ट वाटर कैसे निकालते हैं? सीरियल डायलूशन मेथड से निकालते हैं, ठीक है? फिर क्या है, को एक्टिंग सिग्नल क्या होता है? देखिए, को एक्टिंग सिग्नल आपको पता होगा, रिपीटर सिग्नल भी इसको बोलते हैं। जब ट्रेन कई बार कर्व से या ब्रिज से गुजरती है तो ये को एक्टिंग सिग्नल लगाए जाते हैं। को एक्टिंग सिग्नल और भी इसका कहाँ पर लगाते हैं? जब ट्रेन 5 सिग्नल कंटिन्यूस बिना रुके पास कर जाए तो कौन सा सिग्नल बोलते हैं? को एक्टिंग बोलते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? वार्नर होता है। फिर कौन सा होता है? आउटर होता है। फिर होम होता है। फिर क्या होता है? स्टार्टर होता है। फिर एडवांस स्टार्टर सिग्नल होता है, राइट? तो ये पांचों सिग्नल लाइन से लगे होते हैं, और ट्रेन अगर इनमें से किसी पे भी नहीं रुक रही है तो को एक्टिंग सिग्नल बोलते हैं, क्योंकि उसको क्या करता है, वो अगले वाले सिग्नल का जस्ट उसको शो करता है। मान लीजिए अगला सिग्नल ग्रीन है तो को एक्टिंग सिग्नल उसको ग्रीन ही शो करता रहेगा, अगले वाले सिग्नल को ही शो करता है, ठीक है? ताकि ट्रेन को रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। इसी को हम क्या बोलते हैं? को एक्टिंग सिग्नल या फिर रिपीटर सिग्नल, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन है कि हमारा रॉकफील डैम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जिस एरियाज़ में अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहीं पे हम क्या लगाते हैं? रॉकफील डैम लगाते हैं, ठीक है? फिर CCA में क्या इंक्लूड, CCA क्या है? कल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक है? इसमें पैस्चर और फैलो लैंड भी इंक्लूड की जाती है। कई बार लोगों से गलती हो जाती है कि ये कल्चरेबल कमांड एरिया तीसरा है तो इसमें खाली लैंड है और ऊसर बंजर सब चीज़ें नहीं आएंगी, बट वो भी इसमें आती हैं, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी, देखिए दोनों का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर रहे हैं तो हम स्ट्रेन एनर्जी देख लेते हैं, लेकिन अगर लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर नहीं है तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है? फिर क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं? कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन हमें ऑब्टेन होती है मिनिमाइजेशन करने से, ठीक है? ये क्वेश्चन तो इस बार शायद एग्जाम में भी आया है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? तो आज के पॉइंट जो थे वो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा थे जो एग्ज़ाम में नए टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से मिलेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।